नमस्कार प्रणाम, टिकोरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं एक गरीब के घर, चलिए इनसे जानते हैं इनके क्या हालात हैं। तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए अपनी गरीबी के बारे में। तो देखिए, हम बहुत बड़े गरीब खानदान से विस्फोट करे बात। तो जहाँ तक आप लोग सुने होंगे कि फलाना अमीर रहन तो ओके बेटा गरीब हो गए, फलाना गरीब रहन तो उनके बाल बच्चा अमीर हो गए, लेकिन हमरे सबके साथ ऐसे कुछ नहीं ना। हम सब एकदम प्योर गरीब ही, बिल्कुल शुद्ध गरीब ही। हमरे सबके बही खाता में जितना नाम लिखा बा ऊपर से नीचे ताई बही खाता उठा ये पढ़ लिया तो ये तरफ से कुल सब जने गरीब है। हमरे खानदान में एक से एक आला दर्जे के गरीब है। एक जने का तो बकायदा कहानी लिखा है बही खाता में। हाँ, कि कैसे वो एक धोती जो रहा लपेट के पूरा जीवन बिताए दे अपन। और वह गरीबी माँ, और वह गरीबी माँ आपका विश्वास न हुए 130 साल जिया रहे। हाँ, उस समझ जाए कि वह धोती का वो पहिराई पहिरे रहे कि वह धोती के प्राण छूट गा, लेकिन उनके प्राण नहीं छूट। पूरे घर में त्राही त्राही मच गए कि बुढ़वा कब मरी, ये बुढ़वा कब मरी। तब समझ जा कि मार्च का महीना रहा और हार कांपे वाली ठंडी पड़त रही, तो वो बुढ़ऊ वही धोती पहर के तब तलाय आग तापे बैठ गए। तब जाए के समय ने करवट बदला तो वही धोती में आग लाग, तब जाए के वो बुढ़ऊ के बेचारे प्राण छूटे। तो समझ जाए कि पूरे घर में खुशी का माहौल हो गए। पूरे घर वाले अंगने दुआरे भीतरे बाहरी सब हड़िया कुचरी मटका ढोल धमाका पीट पीट के सब खुशी मनावे लागे। क्या? अरे महाराज, एक रोटी फालतू खाए के मिलेगी ना? अरे बुढ़ो खाते तो रहे दवाई के, तीन तीन दिन में एक रोटी पूरी खाए जाते रहे। का? हाँ, बाकी लोग ना भूलर पीपर खाए के जो ना अपन जिंदगी बितावता है सब। जवान खुशी वह दिन मिली रही ना बुढ़ऊ के मरे के बाद, तब से आज तक वो खुशी हमारे घर में देखे के नहीं मिली। अब लागत है कि हमारा बिया होए ना तब जाए को उतनी खुशी हुए। अच्छा, उनको छोड़ो, कुछ अपने बारे में बताओ, तुम लोगों का क्या हालत है? हमारे सबके हालत कोनो ज्यादा नहीं ना बढ़िया। जो कपड़ा देखत यह ना, ये हमारा ना आए, ये हमारे भैया के ससुराली मिला रहा जब उनके अजिया ससुर मरा रहे। अच्छा, तुम्हारे भैया ससुराल गए थे तो ससुराल वालों ने दिया? अरे महाराज, वो सब कहाँ से दी है, समझ जाए कि उनके सबको बहुत हालत दयनीय बात, बहुत बेकार हालत यह उनके सबके। जब बुढ़ऊ मरे है ना तो कपड़ा सब नजर गड़ाए रहे, कपड़ा के चक्कर में पूरा लफड़ा हो गया रहा। तब हमारे भैया कपड़ा के ऊपर बड़े ध्यान लगा के देखत रहे, जब कहती कपड़ा के चक्कर में लफड़ा हो लाग मार कुटाई हो लाग, तो हमारे भैया का करे चुपके से कपड़वा लाइल है। तो लगे हमारे भैया कपड़ा बिना चप्पल जूता का पैदल नदी नारा खूटी खखारी भागत 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 पिछवाड़े से आए घर में और लिया। जो है कपड़वा हमें पहन गया था। अच्छा, तुम्हारे भैया कपड़ा लेके भागे तो तुम पहन लिए, तो वो क्या पहनते हैं भैया? हाँ भैया, हमरे जो है अपने मेहरारू को साया पहिरत। तो तुम्हारी भाभी क्या पहनती हैं? अरे उनका तो घर ही में रहा है, कहा ना तनी मनी गरीबी में मैनेज करे पड़त है। एकता परिवार में एकता रह चाहे संघर्ष ही जीवन है भाई। इतना सप्ताह हम जो है ना बहुत बचपन में सीखे रहे, जब छेड़ी बोकरी चलावे जात रहे तो लॉकडाउन के साथ बैठ के परिवार में एकता कैसे होता है, कैसे मैनेज की जात है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा शादी ब्याह हुआ है कि नहीं? अरे हो, अब की तो हमारे मंझले भैया शादी ब्याह भाई तय भाई, और समझ जा
इतनी धूम धड़ाका से बियाह होए हमरे बंजले भैया के कि मतलब ये इलाका में केहू न भर होए। जब 3 लाख रुपया ओझा जी से कर्जा लेके जो मनोज तिवारी का गावे को बुलाए रहे और काजल रघवानी नाचे आई रही, पूरा गांव जवार के सब छाती में मुंह का मार के इसे जवान है दांत पीस के इसे रह गए। लेकिन शादी बड़ी धूमधाम से करे, कर्जा हो गया तो हो गया, पछवाड़ा फटे तो फटे लेकिन पोजीशन ना घटे। तो सब कहे लागे वाह वाह वाह, रगड़ू का लड़का कुछ कह के दिखा दी इस गाँव में। अपने भैया के ब्याह में जो 50,000 रुपया जो है ओझा से कर्जा ले रहे है, वक्त ब्याज खाली 5 लाख रुपया हो गया। कौन साधारण मामूली आदमी थोड़ी है हम सब, बड़े खानदानी एकदम गरीब है, एकदम पेवर गरीब है। अरे मुरे पे तो हम सब को ध्यान नहीं दी, देखा था ही बात बने तो बने, नहीं तो कोर्ट में जाएगी वहां शादी रचा ले। हाँ अरे इसीलिए तो तुम गरीब हो, क्या जरूरत है इतने महंगे कलाकार को बुलाने का। बहुत नीक कहत यहा तू, बहुत नीक कहत यहा, मतलब गरीब का शादी शादी न आए। अरे बाप रे बाप। जब हमारे मंझले भैया सुन ले कि हमारे ब्याह में नौटंकी नाच कोनो कलाकार नहीं आवत है, तो ब्याह में साफ नहकार दे रहे हैं, बयाना बट्टा सब वापस करवाए दे रहे हैं। तब हमारे मौसिया जाए कितना समझौले बुझौले हमारे भैया का, उनका फोन करके उनसे बात करें, समझाए बुझाए, तब जाए के हमारे भैया ब्याह के बड़े तैयार भे, तब जाए के बस पकड़े। जब उतरे तो सीधा आर्केस्ट्रे वाले दुआरे जाए के बैग धरे हमारे भैया, बैग धाई के और उनसे बयाना बट्टा कह के, तब जाए के हमारे भैया रानीगंज में पहुँच के 4 चाउमीन खाई जो है, तब नाश्ता पानी करें। उसके बाद समझा ताई चाउमीन वाले के प्लेट धोए के तो घरे आए हमरे भैया। हाँ अच्छा, होटल में 4 चाउमीन खाने के बाद प्लेट क्यों धोए? अरे जो सारा पैसा बयाना बट्टा में खर्च कर दे हैं, तो होटल में 4 चाउमीन खाए तो करे पैसा लगे ना, अब पैसा तो रहना ही, तो वो बात तो होटल में प्लेट में ना धोए पड़े, फ्री में खवा दे हैं सब। बाप रे बाप। अरे यही सब करते हो, गरीबी मिटाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, कभी सोचा है गरीबी कैसे हटेगी? अरे देखो बताओ जिन के उसे, आपकी बहुत बढ़िया बाबा मिल गया हमका सबका, बहुत पहुंचा हुआ बाबा बाटे, बहुत पहुंचा हुआ बाबा बाटे, ये मूर्ति बना के देहा देखत गया। पाठो भाई हाथों हाथ अंगूठी जो ना खरीद के पहरे ही भैंस बेच के, बहुत पहुंचा हुआ बाबा हमका सबका मिल गया है, अब लागत है दिन बदल जाए। क्या अंगूठी पहनने से कोई अमीर हो जाता है? ऐसा होता तो सबको अमीर हो जाते। अरे बाप रे बाप, ऐसे बाबा सबको थोड़ी ना मिल जाती, ये तो हमारे तेज तर्रार अखबार कि हम सब खोज ही नहीं उनका। वो बाबा हम सब सबसे खुल के कह दे कि देखा हमारे बारे में केहू को बताया जिन तू सब जने, नहीं बात सबको पता चल जाए ना, तो जो सब हमारे आस पड़ोस के हैं नात रिश्तेदार हैं सब अमीर हो जी हैं, और उन्हीं सब की वजह से आज हम सब भूसा की तरह खैचे में ठूस ठूस के जैसे गरीब बना के भरा जाए। जब हम सब कमा के कुछ सोचे थे तो हमारे सबको मत मार के हमका सबका आठों भाई का आपसे लड़ाई देती, सब भूल जाए कि बाहर कमा जाए सब, वो से सबसे तुम्हारे सबका मने रूठ गया बिल्कुल। सबेरे जो है बस पकड़ के पहुंचे शहर में, पता लग संध्या ट्रेन पकड़ के अपने घरे, हम सब परेशान हो गए क्या करी, हमारे सबको तो मती मारी गया है। ये सब क्या बकवास कर रहे हो, मंत्र से कोई जादू टोना करता है? अरे बाप रे बाप, तू का विश्वास नहीं ना, अरे एक बार हमारे ऐसे बुद्धि खराब भय रही, ऐसे मती मारी गई रही कि हम अपने बाबू का उठाए उठाए के पटके रहे, उठाए उठाए के पटके रहे, बस हमसे वो इतने पूछे रहे कि कह रे अब तू बड़ा हो गया सयान हो गया, कमाए जाबे कि ना कमाए जाबे, तो उसके बाद हमारा मती बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गए, तो हम बाद उनका ते तेरी उठा उठा एक पटकी, ये तेरी उठा उठा एक पटके, ओकरे बाद से चुप। आज हम आशा करी थे कि हमरे बाबू होते तो कहते जा बेटवा बड़ा हो गया जा बाहर कमाए, लेकिन तब से कुछ नहीं बोले। तो तुम्हारा मन बिगड़ा हुआ है। हाँ गजब, तू का समझती है कि हम सब कभी कमाई नहीं गए? अरे एक बार हम कमाए गए रहे
तीन साल तक बहरे कमात रहिए, लेकिन हमारे हा पटीदारी इस तरफ से वहां मत खराब कर दे रहे हैं। यहमुर कमाई यहमुर उड़ा दी, यहमुर कमाई यहमुर उड़ा दी। गांजा दारू पी भांग सांग नाच गाना करी, बस फिट सब खत्म मामला शांत। वो करे चार साल बाद जो हमारा जो है बहुत मन कहा कि हम जाइए अपने अम्मा का मुंह देख ली, तो हमारे अम्मा अपन गहना बेच के हमका किराया भेजी, तब जाए हम अपने घरे आए। तब से हमारा कबो मन नहीं कहा कि हम कहूँ जाए कमाए थमाए, कहाँ जाए कमाए थमाए। तो घर पे रहने से धर्म कर्म चल जाएगा? नहीं, घर में रहा से धर्म कर्म ना चले। पूरा दिन सोचिन दिमाग भ्रष्ट हो गया कि क्या करे। गए नदी किनारे जो नहाए, दो चिलम गांजा भटकाए, जब गांजा पी तो फिर क्या है, एकदम दिमाग त्राटन लागे लाग, दुनिया एकदम एवन लागे लाग, मन एकदम फ्रेश कूल, दुनिया ब्यूटीफुल।